इतने सवाल पूछते हो? तुमसे कहा ना कि अपने फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ। और सुनो, मोहित को खाना गर्म करके दे देना, मुझे आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस केस पर अपना विश्लेषण देंगे हमारे मेहमान और जाने माने पत्रकार शम्स ताहिर खान। दिन दहाड़े एक औरत को चलती कार से फेंक दिया गया, ऐसी खबरें सुनकर अक्सर कई लोग ये सोचते हैं कि शायद मामला कार चोरी का हो। कुछ ये कहकर दिलासा दे देते हैं कि चलो कम से कम औरत की जान तो बच गई। मगर कई केस में ऐसा होता है कि जो बाहर से दिखता है वो अंदर नहीं होता। आज के केस में जुर्म की ये वो कहानी है जिसमें एक विक्टिम को पूरी साजिश के तहत मार दिया जाता है। ये केस इतना चुनौतीपूर्ण है कि गुरुग्राम पुलिस को सुलझाना वाकई किसी चुनौती से कम नहीं। अरे नहीं नहीं मैडम, मेकअप नहीं, फेशियल और मैनिक्योर ही करवाना है। एक रिक्वेस्ट है, 40 मिनट में हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। प्रज्ञा, तुम्हारे लेक्चर लेने से मेरे सब कुछ हो जाएगा, मैंने बात कर ली। राजीव क्यों परेशान हो रहे हो, मैं बाद में करवा लूंगी ना ये सब। देखो तुम्हारी हर एक जरूरत का ख्याल है मुझे, अब ज्यादा बहस मत करो, जाओ जल्दी जाओ। मैम प्लीज आइए। मैम ओके आइए। हेलो, वाह डॉक्टर, बीवी की इतनी परवाह और हमारी फिक्र तक नहीं, जरा हम भी तो देखें फेशियल होता कैसे है। दीपक प्लीज देख, देख प्रज्ञा का मूड मत खराब कर रहा है, ठीक है? कल तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस आज का टाइम दे दे मुझे। टाइम ही तो नहीं है तेरे पास डॉक्टर। क्या क्या घूर रहा है क्या दिख रहा है, सुट्टा देना यार। राजीव सिगरेट, तुम सिगरेट तो टेंशन में होते तब पीते हो ना? हाँ तो टेंशन तो होगी ना, क्यों इतनी खूबसूरत तो दिख रही हो तुम। कुछ भी, अरे हाँ सच में तुम किसी भी एंगल से 21 साल की लड़की की माँ तो लगती नहीं हो। बस अब बातें बनाना बंद करोगे, आई एम ऑलरेडी लेट। चलो चलो चल। राजीव। हाँ कहाँ हो? अरे ये हाँ हाँ, डैडी ने सरप्राइज हॉलिडे प्लान किया है, वो भी आपकी फेवरेट जगह मनाली। क्या मनाली? राजीव पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए मनाली का ट्रिप, एग्जाम्स लेने कॉलेज में। हाँ टिकट ऑलरेडी बुक्ड है डार्लिंग। देखो तुम अपना पैकिंग शुरू करो, हमने तो कर लिया है, मैं अभी आया, ठीक है? हाँ जी, ये क्या चल रहा है ये सब? प्रज्ञा ये टाइम मैंने अपने परिवार के लिए निकाला है, तुम्हारे हर सवालों का जवाब मैं रास्ते में दूंगा, ठीक है? तुम अपना पैकिंग तो शुरू करो, मैं काम करता हूँ, शर्मा मार जाके कुछ सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? सर मेरा नाम प्रज्ञा सैनी है, मेरे हस्बैंड राजीव कल रात से घर नहीं लौटे हैं। सर शर्मा मार्ट बोल कर निकले थे, उसके बाद बहुत बार फोन ट्राई किया लेकिन फोन बंद आ रहा है। और हम सब कल मनाली जाने वाले थे, फिर अचानक से कहाँ चले जाएंगे? अलका
शर्मा मार्ट का सीसीटीवी चेक करो, पता करो कि राजीव वहाँ पहुंचा भी था या नहीं। सर आप लोग मनाली क्यों जाने वाले? नहीं इस वक्त वहाँ मौसम काफी खराब। डैडी का सरप्राइज प्लान था कि वो फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। राजीव के किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर आपको किसी पर कोई शक? डैडी होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनके तो नेचर में ही है ना लोगों की हेल्प करना। उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। ये रहे डॉक्टर साहब, मैंने कहा था ना सामान लिया और चले गए। ये फोन किसका आया था? राजीव के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लास्ट फोन कैब एजेंसी से आया था। मतलब राजीव ने कहीं जाने के लिए खुद कैब बुक की थी। कैब एजेंसी से पता करो कि किस ड्राइवर ने राजीव को शर्मा मार्ट से पिक किया था। सर कैब ड्राइवर मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उसने राजीव को कहाँ ड्रॉप किया है, और अगर आपको कोई आइडिया हो कि वो कहाँ जा सकते हैं। इतनी रात में अपना क्लिनिक भी ओपन नहीं करते वो। क्लिनिक कहाँ है उनका? आर्य समाज रोड पर। लेकिन हाँ अगर क्लिनिक ओपन करते तो रिसेप्शनिस्ट बता देती। रिसेप्शनिस्ट, क्या नाम है उसका? मंजूषा। आज माँ तुम्हारे बारे में पुलिस को बताने वाली थी, मैंने रोक दिया, पर ज्यादा दिन नहीं रोक पाऊंगी। तुम्हारी भलाई इसमें कि तुम मुझसे बात करो। सर आखिरी बार डॉक्टर 4 तारीख को ही आए थे और कुछ परेशान से लग रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत देर तक गेट नहीं खोला तो मैं अंदर चली गई चेक करने, पर वहां पे डॉक्टर साहब तो कुछ और ही। सर क्या है? बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए तुम? हां गेट आउट। सर बीवी और बेटी तो राजीव की अच्छाई का गुण गा रही हैं, और उनकी रिसेप्शन तो कुछ अलग ही कहानी बोल रही। 4 तारीख को राजीव की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिससे वो काफी डर चुका होगा। तो मनाली कोई हॉलिडे नहीं, अपने परिवार को शहर से बाहर ले जाने का एक बहाना था बस। और सर प्रज्ञा ने कहा कि ब्यूटी पार्लर से आने के बाद से राजीव का मूड ऑफ था। 40 मिनट तक राजीव पार्लर के बाहर था। पता करो कि उस पार्लर के आसपास 40 मिनटों में राजीव के साथ हुआ क्या। और हाँ उसका क्लिनिक भी अच्छे से चेक करो, आखिर वो इस हालत में अपने कैबिन में कर क्या रहा था। जी सर। आईडी कार्ड मिला है, लाश राजीव सैनी की है, किसी धारदार हथियार से मार के फेंका गया है। अरे मम्मी की तबीयत खराब है, आज फुटबॉल मैच खेलने नहीं आ पाऊंगा। मम्मी आज का मैच कैंसिल हो गया। अरे तू तो बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है तेरा। अरे छोड़ो ना मम्मी, आज मैं पूरा दिन आपके साथ रहूंगा और आपको इको बैग बनाते हुए देखूंगा। राजीव 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 गुप्ता बोलो। सर एक सिगरेट वाले ने राजीव को पार्लर के बाहर किसी से झगड़ा करते हुए देखा था, और उसकी बाइक पर खोपड़ी वाला स्टिकर था। कल तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आज का टाइम दे दे मुझे। एक मिनट प्रज्ञा जी, आप उस दिन जब पार्लर गई थी आपने किसी को राजीव के साथ झगड़ते हुए देखा था? ठीक है आप जा सकती हैं। गुप्ता उस एरिया में ऐसी बाइक ढूंढो जिस पर ये खोपड़ी वाला स्टिकर। सर मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ। कौन है वो? दीपक गुप्ता नाम है उसका, मेरी बेटी
पल्लवी का पति। ये बेटी की शादी हो चुकी है पर ये तो दीपक का मन भर गया था पल्लवी से और पल्लवी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पल्लवी ऐसा नहीं चाहती थी इसलिए पल्लवी की खुशी के लिए राजीव दीपक को कन्विंस करने लगे, उसे मनाने की बहुत कोशिशें की लेकिन दीपक बहुत साइको है, उसे मैं उसका खुद पर काबू नहीं रहता। किसी भी इंसान का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अहंकार को जरा सी ठेस और इंसान जानवरों की तरह अपना आपा खो बैठता है और एक बेकाबू जानवर कब कैसे और कितनी गहरी चोट पहुंचा बैठे इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। अब तक की कहानी में विलेन और हीरो के बीच में अंतर कर पाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से डॉक्टर की जिंदगी के ऐसे कई पहलू खंगाल लिए थे जिसके बारे में उसके परिवार तक को पता नहीं था। लगता है भाग गई। दीपक की फोटो सारे प्रोसेस में भेज दो। उस शॉप वाले ने काली बाइक पर ऐसी खोपड़ी का स्टिकर है ऐसे ही बताया था ना। सर भाग नहीं रहा हूं सर, मैं बाइक के पास आया। मेरी बाइक अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए तूने उसके बाप को ही मार दिया। पल्लवी ने कहा ना आपसे झूठी है सर, एक नंबर की। जिस दिन राजीव की मौत हुई थी उस दिन तू झगड़ा करने गया था ना उसके साथ। सर झगड़ने नहीं, समझाने गया था कि पीछा छुटाओ मेरा अपनी बेटी से, तंग आ गया हूं। सर पल्लवी चाहती थी कि मैं हर चीज उसके डैडी की कॉपी करूं। उसके हिसाब से तो उसके माँ बाप के अलावा कोई परफेक्ट कपल था ही नहीं। और तो और सर उसने तो मेरे कपड़े भी अपने डैडी के स्टाइल के खरीदने शुरू कर दिए थे। उस दिन तो हद ही हो गई। कहाँ गए थे तुम? मैं बता के तो गया था। तुम्हारी हरकतें फिर से शुरू हो गई ना? क्या हरकत शुरू हो गई? नाटक तो ऐसे करते हो जैसे शादी करके ना सबसे बड़ी गलती हो गई मेरी लाइफ की। अरे तो गलती नाटक करने की जरूरत नहीं है। अरे तो मैंने किया क्या है मुझे ये तो बताओ ना। दस बार का ही मुझे शर्ट का रंग नहीं पसंद। मेरे डैडी को देखा इतने अच्छे कपड़े पहने। अरे हद होती है यार हर बात में डैडी डैडी डैडी। नहीं बन सकता मैं तुम्हारे डैडी जैसा। और सुनो मेरी बात, अगर अपने डैडी से इतना ही प्यार है ना तो डैडी के साथ जाके रहो, मेरे साथ मत रहो। ये देखिए सर, चोट देखिए सर। पति पत्नी के झगड़े में यही होता है, लोग ना हमेशा पति के ऊपर उंगली उठाते हैं। और सर आपको यकीन नहीं आता ना तो ये देखिए, ये सुनिए आप। आज मां तुम्हारे बारे में पुलिस को बताने वाली थी, तुम्हारी भलाई इसमें कि तुम मुझसे बात करो। सर एक मिनट। सर इसमें मगरमच्छ के दांत, गेंडे की सींग और सांप के खाल और सर पता नहीं क्या क्या है। ऐसी चीजें रखना तो इलीगल है। तो सर ये सारी चीजें उसने कहीं ना कहीं से तो खरीदी होगी। ऐसे इलीगल चीजें बेचने वाले खतरनाक ही होते, शायद उनमें से किसी ने राजीव का खून किया हो। अपने खबरियों को कहो कि इन्फॉर्मेशन निकालो, शहर में ऐसा कौन है जो ऐसी चीजें बेचता है। डॉक्टर राजेश सैनी के क्लिनिक में रखे हुए जानवरों के कुछ हिस्से गैर कानूनी तरीके से पाए गए। दामाद दीप सारी रात गायब रहा। क्या हमें जो सामने दिखाई दे रहा है वही सच है या कहानी कुछ और है? सवाल बहुत सारे हैं। पुलिस अभी तक सिर्फ ऊपरी हिस्से को ही छिल पाई, मुद्दे की तह तक पहुंचने के लिए बाकी हिस्सों को खरोचना अभी बाकी। व्हाट वुड यू लाइक, कॉफी और टी? नहीं जैसे नहीं। ओए राजू, मैं कब से तुझे दुकान पे ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ घर पे बैठे अंग्रेजी की फाड़ रहा है। अरे काका ब्रो, यही अंग्रेजी ना किस्मत चमकाएगी। एक बार बस अंग्रेजी सीख गया ना, अमेरिका जाने से कोई नहीं रोक सकता। यू वेट एंड वॉच। ओए शेख चिल्ली, सपने छोड़, जाके तारे फिक्स कर। अभी से मेहनत करेगा ना तो 50-60 साल में आराम से पहुंच जाएगा। ए काका ब्रो,
मेरे और अमेरिका के बीच कभी मत आना, अंडरस्टैंड? 4 लाख की बात है ना, कमा लूंगा। ए, हिलना मत, गुज जाएगा। ये ऐसे निशान कैसे? राजीव की हत्या चाकू मार के की गई है, लेकिन ये जो निशान है ना शरीर के ऊपर, ये बहुत पुराने हैं, कम से कम 3-4 हफ्ते पुराने। अक्सर ऐसे निशान शरीर की चमड़ी जलने से बनते हैं। हम नहीं जानते कि दादी के पास वो चीजें कहां से आई। आप इन निशानों के बारे में कुछ जानती? इन चीजों के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। बताया तो बहुत कुछ नहीं था आप लोगों से। वैसे इस घर के बाहर राजीव की एक अलग दुनिया थी। मैडम आपका पार्सल। ले जाओ इसे वापस, नहीं चाहिए ये अब। जिसके लिए मंगवाया था ये, इस दुनिया में नहीं रहे। डैडी के फोन में दिक्कत आने लगी थी और उनकी क्लिनिक भी अच्छे से नहीं चल रही थी, तो उन्होंने नया फोन ही नहीं खरीदा। माँ और मैंने डिसाइड किया था कि हम उनको नया फोन गिफ्ट करेंगे, पर हमें क्या पता था कि राजीव ने जो कैब ली थी शर्मा मार्ट के बाहर से, वो ट्रेस हो गई है। सर, 4 तारीख की रात को शर्मा मार्ट के बाहर से तुमने इसे पिक किया था? सर, राजीव का फोन अनलॉक हो गया है, इसमें ये 2 मैसेज मिले। इस दुनिया में तेरा जीने का टाइम खत्म होने वाला है। मैडम उसको उस दिन इधर ही उतारा था, फिर वो सीधा उस तरफ चला गया। सर नंबर सेव नहीं है, फिर भी ट्रैकिंग पे डाल दिया। मारने की धमकी दी, फिर भी राजीव ने पुलिस कंप्लेन नहीं की। इसको जानते हो? ये तो राजीव भाई है। हाँ जानता हूँ सर, राजीव बहुत अच्छे इंसान। पहले सिर्फ जान पहचान थी मेरी उनके साथ, पर एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो वो खुद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। उनके मुझ पर बहुत एहसान थे, इसीलिए तो मैं उनकी मदद कर रहा था। कैसी मदद? सर उनको 4 कार चाहिए थे, इसलिए 4 तारीख को सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आए थे। कह रहे थे 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए सारी फॉर्मेलिटीज आज ही पूरी करनी होंगी। उसने तुमसे 6 महीने कहा? हाँ, मुझसे तो यही कहा। रॉनी ये तुम्हारे लिए। क्या है मम्मी? फुटबॉल। सच्ची? ये तो मुझे कब से चाहिए था। बेटी की शादी खतरे में थी, क्लिनिक भी सही चल नहीं रहा, फिर भी 4-4 गाड़ियां लेनी थी। क्यों? पापा ने भेजा है? नहीं, वो पवन जी है ना जो हमसे हमेशा बैग खरीदते हैं, उन्होंने भेजा है तुम्हारे लिए। इतने अच्छे अंकल है मम्मी, मैं संतु लेके जाके खेलूं? जाओ। सर जिस नंबर से राजीव को धमकी वाला मैसेज मिला था, उस नंबर का लोकेशन ट्रेस हो गया है। हेलो, हेलो मैडम जी, राजीव सैनी को जानती हैं? राजीव सैनी डॉक्टर साहब, उनके घर तो मैं झाड़ू पोछा करती। साहब मुझे तो फोन उठाना और काटना आता है बस, ये मैसेज ऐसे मैं नहीं जानती। तुम्हारा फोन तुम्हारे अलावा कोई और इस्तेमाल करता है? जी घर में एक पोता है ना, कभी कभी वो फोन उठा लेता है। कहाँ भाग गया? हर बार घपला करता है, एक तो पुराना कनेक्शन खराब करता है और उसी को ठीक करवाने का दुगना पैसा लेता है। छोड़ेंगे नहीं उसको, चलो 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 इधर ही चलो। अरे साहब दादी को कुछ याद थोड़ी रहता है,
वो तो कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। अरे गुप्ता है, किसको लेके आए? ये बेचारा तो मासूम है। क्या कर रहा था थाने में बैठ के? होशियारी, फोन में क्या कर रहा था? वीडियो डिलीट। ऐसी वीडियो निकालता है? ऐसे वीडियो निकालता पल्लवी की? और राजीव को पता चल गया इसलिए तूने उसको मार डाला? नहीं नहीं सर, मैं तो सिर्फ मजे के लिए वीडियो बनाता था। नहीं सर, गलती हो गई सर। सर लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं है सर, उनके ऑलरेडी बहुत सारे दुश्मन थे सर, किसी ने मार दिया होगा उनको। तुझे कैसे पता उसके बहुत सारे दुश्मन थे? उनके क्लिनिक के पास कुछ खबर फैली हुई थी सर कि डॉक्टर साहब उल्टी सीधी दवाई देकर लोगों को बीमार करता है और उनको दिल्ली भिजवा कर उनके अंग निकालवा लेता है सर। सर अफवाह तो थी, इसलिए तो डॉक्टर के पास पेशेंट्स कम आते थे। अफवाह थी, हकीकत ये तो हम पता लगा ही, पर राजीव का इन सब से कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, डॉक्टर राजीव तो बहुत अच्छे इंसान थे, डॉक्टर अनिल के वजह से उनकी अफवाह उड़ी। डॉक्टर अनिल? हाँ पल्लवी बोलो। सर मेरी माँ पर किसी ने अटैक किया है। क्या? वो बेहोश है, मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। हम अभी पहुँचते। आपने देखा उन पर हमला किसने किया? नहीं सर, मैं घर पे ही नहीं थी जब लौटी तो देखा कि माँ 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 कौन है ये लोग? पहले मेरे डैडी को मार दिया, अब मेरी माँ के भी पीछे पड़ गए। आपको क्या लगता है किसने किया होगा आपकी माँ के साथ? और कौन दीपक ने किया होगा ये सब? काका ब्रो, समझाया था ना मेरे और यूएस के बीच मत आना। देखो तो महाराज क्या क्या है। अरे पकड़ो इसे। अरे हट मेरा बचवा। अरे बच्चा, अरे बच्चा। दीपक घर पे है? नहीं है सर। तुम स्टूडेंट हो दीपक के? हाँ सर। हाँ सर। 4 तारीख को इंडस्ट्रियल ट्रिप पर दीपक के साथ गए थे तुम लोग? हाँ सर, हम दोनों गए थे। क्या उस दिन दीपक पूरे दिन तुम लोगों के साथ था? हाँ, पर सर रात में कहीं चले गए। सही में बोल सर, आप यहाँ? तो टाइम नहीं है मेरे पास अभी, वरना जो पीछे छुपा रहे हो ना तुम दोनों, इसके लिए दोनों को सस्पेंड कर देता। वॉलर परफ्यूम था उनके हाथ में? बॉटल से लग रहा था कि वो लेडीज परफ्यूम है। पता नहीं सर किससे मिलने गए थे। पहला ऑर्डर तो 2 दिन में ही बिक गया। मार्केट में बहुत डिमांड है आपके इको फ्रेंडली बैग्स की। थैंक यू सो मच पवन जी, आप मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। वो नए डिजाइन से वो सारा स्टॉक दिखा देती हूँ मैं आपको। रॉनी, रॉनी क्या कर रहा है तू? छोड़ दे रॉनी। पापा ने मुझे बोला था ये सब करना बुरी बात है, मैं आज कल आपको बैग्स बनाने नहीं दूंगा। रॉनी तू क्या कर रहा है? छोड़ दे। सर परफ्यूम और फुटबॉल लेकर राजीव किसी को मारने क्यों जाएगा? लगता तो ऐसा ही है कि दीपक का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और इसीलिए वो पल्लवी के साथ डिवोर्स लेना चाहता था। तो फिर राजीव के मेट के मोबाइल से धमकी भरे मैसेजेस, जानवर की चमड़ी, इतनी कितनी चीजों में फंसा था ये राजीव। गुप्ता इन्हीं में से एक कड़ी हमें राजीव के खूनी तक ले जाएगी। क्या? अरे मुझे मिलना है। अजीब है आप लोग, किसी ने अफवाह फैला दी और आप लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप पर किडनी ट्रांसप्लांट का इल्जाम है। हाँ मुझे राजीव ने बताया था कोई उसकी इमेज खराब करना चाहता है, उसको बदनाम करना चाहता है। राजीव को तो सुदेश पर डाउट था। सुदेश? राजीव की गाड़ी से सुदेश का एक्सीडेंट हुआ था जिसके बाद उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी शादी भी टूट गई थी। राजीव को लगता था कि सुदेश ही अफवाह उड़ा रहा है उसे बदनाम करने के लिए।
राजीव ने आपकी जिंदगी बचाई या फिर राजीव की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई? बर्बाद तो ही थी, मगर राजीव ही अपनी गलती सुधारने के लिए मेरा इलाज कर रहे थे। टीना, इसके साथ मेरी अगले महीने सगाई, ये खुश है मुझसे। साहब आप मेरा यकीन कीजिए, ना तो मेरे पास राजीव को मारने के लिए कोई वजह थी, ना ही मैंने उन्हें मारा है। हेलो सर, दीपक के घर से हमें एक हथियार मिला है। सर फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है जो चाकू हमें दीपक के घर से मिला था उसी से राजीव का मर्डर हुआ है। दीपक ही राजीव का खूनी है। प्रज्ञा पे हमला, इंडस्ट्रियल टिप से फरार होना, ये सारी कड़ियां जुड़ गई हैं। दीपक की फोन लोकेशन ट्रेस की? सर उसकी फोन लोकेशन तो ट्रेस नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके कॉल लिस्ट में किसी संतोष का नंबर है, डेली बात करता था। ये एड्रेस निकालो संतोष का। सर। जी सर। राजू तुझे कितनी बार मना किया, तू फिर शुरू हो गया। ए मेरी जान, यही तो असली नशा है। मैं 200 नहीं लेता, मैं 500 लेता, 1000 भी नहीं लेता और ना कभी लूंगा। ये तो पावर पसंद है और असली पावर मुझे तुझसे मिलती है। सर, सर दीपक तो नहीं मिला और संतोष को ले आए। दीपक को कैसे जानती हैं आप? एक दोस्त की पार्टी में मिला था, तब से जानती हूं। दीपक पर अपने ही ससुर को मारने का इल्जाम और उसके कॉल रिकॉर्ड देखकर हमें यह पता चला कि वो तुमसे बहुत करीब। क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? सर वो अपनी पत्नी से तंग था और मैं अपने पति से, हम कब करीब आए कुछ पता ही नहीं चला। पर सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। 4 तारीख की रात को दीपक तुम्हारे साथ था? हाँ, मेरे पति टूर पे गए हुए थे तो वो मेरे घर ही आ गया, वो पूरी रात मेरे साथ ही था। इस वक्त दीपक कहाँ छुपा होगा कुछ पता है? और छुपन छुपाई खेल, अब बता राजीव को कैसे मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा, और आपके पास अगर सबूत है तो इल्जाम लगाइए। सर सर सबूत चाहिए तुझे? हमारे पास सबूत ही सबूत है। जिस हथियार से खून हुआ वो तेरे घर से बरामद हुआ। प्रज्ञा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि तूने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। इतने में ना तेरी उम्र कैद पक्की। सब झूठ बोल रही हो, मुझे पल्लवी ने घर बुलाया और जब मैं घर गया तो वहां कोई था ही नहीं। तू रिश्ते सेटल करने गया था या फिर राजीव के परिवार को ठिकाने लगाने? अब तुझे संतोष में नया परिवार जो मिल गया और वो भी हमारी कस्टडी में। संतोष ने तेरे बारे में सब कुछ उगल दिया है। संतोष पुलिस स्टेशन? तेरा खेल खत्म दीपक, अब सच बोल दे। सर सच बात यह है कि सर पल्लवी संतोष से जलती है, और जब उसे संतोष के बारे में पता चला तो सर उसने बस्ती में रहने वाले लड़कों को उसे परेशान करने के लिए भेजा। सर मैंने कुछ नहीं किया, सब हंसा रहे हैं मुझे। ऐसे नहीं मानेगा, इसकी जम के कुटाई करो, फिर उगलेगा सब कुछ। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे को साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच ही बोल रहा हूँ साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रही है साहब। मर्डर वेपर मिलने से केस सुलझने की बजाय और उलझता नजर आ रहा है। पल्लवी गुप्ता एक बेटी जो अब तक एक अबला नारी थी, क्या वो भी इस साजिश में शामिल है अपने पति को फंसाने के लिए? इस केस को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस को एक बार पल्लवी से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सर दीपक तो बेकसूर ऐसी बात की रट लगा कर रखा है, जबकि सारे सबूत उसके खिलाफ। सवाल भी बहुत है गुप्ता, राजीव उन जानवर के पार्ट्स का करता क्या? उसके शरीर पर वो निशान कैसे है? ये सब उसकी मौत के साथ जुड़े हुए। दीपक संतोष के घर था, मतलब उसने खून नहीं किया। सर संतोष के घर के आसपास की सीसीटीवी को चेक करवाता हूँ, देखते शायद कुछ मिल जाए। सर सर बचा लीजिए मुझे सर, प्लीज। तुम तो सुदेश के घर पे थी ना? इसके साथ मेरी अगले महीने सगाई है। हाँ सर, लेकिन सर मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड या फियांसी नहीं हूँ, मेरी उससे कोई शादी भी नहीं होने वाली थी सर।
वो तो मुझे मुंबई से पैसे लेकर लाया था मेरे साथ अयाशी करने के लिए सर, और सर उससे कुछ होता भी नहीं है सर, अल्लाह है पूरा सर। क्या? हाँ सर, और जब मुझे उसकी इस बात पर हंसी आई तो उससे मुझे बहुत मारा सर, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ भाग कर आई हूँ सर, मुझे बचा लो। पुलिस से सच बोलना साले, जो आदमी औरत पे हाथ उठा सकता है उसके लिए मर्डर करना मुश्किल नहीं है। राजीव को बदनाम करने के लिए तूने ये अफवाह उड़ाई थी ना? हाँ सर, मैंने अफवाह उड़ाई क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तो मार दिया उसे, हो गया बदला पूरा तेरा। नहीं सर, मैंने मारा नहीं उसे, राजीव ने कहा था कि मेरी बीमारी का होम्योपैथी में इलाज है मगरमच्छ के दांत, अगर वो मरता नहीं सब तो शायद आज मैं ठीक हो जाता। तो वो सब सामान राजीव तेरे लिए मंगवाता था, किससे मंगवाता था वो सामान? नोएडा में लल्लन नाम का एक आदमी है, उससे। रोनी, आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सीधे आके मुझे बोलना। आपको क्यों? आप मेरे पापा हो क्या? तुम्हें पसंद हो तो हो सकता हूँ, मैं तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा। मेरी मम्मी सिर्फ मेरे पापा के साथ रहेगी, एक रात के अपनी मक्के दिखा भी ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा। सर आपको तो पता ही है लीगल काम से पैसा कहाँ बनता है, इसीलिए तो इलीगल करना पड़ता है सर। वैसे भी जानवरों की बहुत डिमांड है मार्केट में। तू राजीव को कब से जानता था और वो ये सब तेरे से कब से खरीदता था? सब राजीव जी से तो पुराना कनेक्शन है अपना, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते थे कभी कभी मेरे फार्म हाउस में रुकने के लिए रात में। गर्लफ्रेंड? तू जानता है उसकी गर्लफ्रेंड को? हाँ सर, मंजू नाम है उसका, बहुत समय से उसको मिला नहीं, देखा नहीं हूँ, लेकिन भूलिया तो बता ही सकता हूँ। प्रज्ञा जी, 15 साल पहले राजीव का किसी मंजू नाम की औरत से अफेयर था, क्या आप जानती है उसे? जी, राजीव से जब मैं मिली थी तब उनका डिवोर्स हो चुका था और फिर मैंने उनके पास्ट के बारे में जानना जरूरी नहीं समझा। मतलब राजीव की और आपकी दूसरी शादी हुई थी? जी, पल्लवी मेरी ही बेटी है लेकिन राजीव से वो अपने सगे बाप जैसा ही प्यार करती है। और क्या क्या जानता है राजीव के बारे में? ज्यादा नहीं साहब, लेकिन वो आदमी परेशान था, मैंने उससे पूछा कि कुछ उसको भी वैसी वाली दवाई चाहिए क्या? बोले नहीं नहीं वो, मैं तो अपना इलाज वो इलेक्ट्रिशियन से करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन? इलेक्ट्रिशियन से कैसा इलाज? मुझे क्या मालूम साहब, करवा रहे होंगे। सर एक मिनट, डॉक्टर राजीव के फोन में किसी राजू इलेक्ट्रिशियन का फोन आया था 3-4 बार। ट्रैक करो ये राजू को और नोएडा पुलिस में कांटेक्ट करो, पता करो कि मंजू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट। हर इंसान की जिंदगी में राज होते हैं, किसी की जिंदगी में कुछ कम तो किसी की जिंदगी में ज्यादा, और ये राज होते ही ऐसे हैं जो जब तक अंधेरे की गहराई में छिपे रहें तब तक सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर किसी को इसकी भनक लग जाए तो ये लावे की तरह फट पड़ता है और फिर कई जिंदगियां इस राज में राख की तरह खाक हो जाती हैं। और ऐसे ही एक राज का लावा डॉक्टर की मौत से फट गया जिसने उसकी जिंदगी की ऐसी परतें खोल दी जिन्हें समेट पाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। कई लोग उसे ढूंढ रहे हैं मैडम, ये घर है उसका। नॉक करो। खाके बैठे थे इस राजू से, विदेश जाने के लिए पैसों की धांधली करता था। सर एक अजीब बात है, राजू के शरीर पर भी ठीक वैसे ही निशान है जैसे डॉक्टर राजीव के शरीर पर थे। क्या? एक काम करो अलका, पता करो कि राजू का कोई नजदीकी है उस बस्ती में। सर
सर राजू का एक ही सपना था अमेरिका जाने का। जब से डॉक्टर राजीव से मिला था तब से उनका भक्त हो गया था। राजीव तुझे अमेरिका जाना है, ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। देख अमेरिका जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। मैं काम करता हूँ, तुझे लोन पर 4-5 गाड़ी दिला देता हूँ, उसे चला, पैसा जमा कर, पैसा बचा, फिर अमेरिका चले जा। पर बदले में तुझे मेरी एक मदद करनी होगी। डॉक्टर को राजू से चाहिए क्या था? शॉक, करंट से खेलेगा तो मरेगा ही ना। लगा लगाऊं? हाँ। डॉक्टर राजीव का मानना था कि ऐसे बिजली के झटकों से बदन चुस्त तंदुरुस्त रहता है। मतलब डॉक्टर राजीव के शरीर पर जो निशान थे वो इलेक्ट्रिसिटी के थे। सर राजीव अपने क्लिनिक में भी यही कर रहा था कपड़े उतार के, जब मंजुषा ने उसे देखा था। सर क्या है? मेरे राजू को भी उसने आदत लगा दी थी। डॉक्टर राजीव के मरने के बाद उसका अमेरिका जाने का सपना टूट गया था, इसीलिए वो टेंशन में खुद को दिन में 3-4 बार झटके देता था। राजीव और राजू ने ये सब करना शुरू कब से किया? करीब 3 महीने पहले। रॉनी क्या किया तुमने पवन जी के साथ? पापा ने कहा था जो आपके पास आने की कोशिश करे वो मेरा दुश्मन है। कहाँ है तुम्हारे पापा? हमें छोड़कर चले गए ना, अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाले। झूठ बोल रहे आप, पापा ने प्रॉमिस किया था वो पक्का आएंगे। जी पवन जी ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेंट की, आप दोनों को पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। राजीव इलेक्ट्रिक शॉक लेता था, आपको कुछ पता है इसके बारे में? क्या राजीव इलेक्ट्रिक शॉक लेते थे? आपको कभी शक हुआ कि आपकी शादी के बाद भी उसका अफेयर हो? मेरे डैडी का कोई अफेयर नहीं था पल्लवी, वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। पल्लवी चुप हो जाओ, मेरे डैडी के कातिल को तो ढूंढ नहीं पा रही, बस आ जाते हैं उन पर इल्जाम लगाने। पल्लवी चुप हो जाओ। लगता नहीं है कि प्रज्ञा और पल्लवी को राजीव के बारे में कुछ भी पता हो। नोएडा पुलिस में तुमने पूछा मंजू के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, लल्लन से मंजू का स्केच बनवाकर सभी प्रोसेस में भिजवा दिया। और संतोष के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज? हाँ सर, वो भी आने वाला है। सर ये एक सीसीटीवी फुटेज मिला है संतोष के घर के बाहर का। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जानता हूँ, सीसीटीवी फुटेज देखा मैंने। जिस वक्त राजीव का मर्डर हुआ था उस वक्त तू संतोष के घर जाते हुए दिखा था। तुमने उस दिन कहा था कि कुछ लोग संतोष को धमका रहे हैं, उन्हें देखोगे तो पहचान पाओगे। हाँ सर। हाँ सर इनको तो मैं अच्छे से जानता हूँ। आपने जो फोटो भेजी थी उससे मिलती जुलती एक औरत और उसका बेटा आया था 2 दिन पहले थाने, लेकिन उनका नाम मंजू नहीं सुनिंदा है। गुड न्यूज है पल्लू, तुम्हारे डैडी के हथियारों का पता चल चुका है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पर क्यों मारा उन्होंने मेरे डैडी को? सर मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन
मेरा राजीव के मर्डर में कोई हाथ नहीं है। शादी के बाद मुझे पता चला कि राजीव कितना साइको है। वो बहुत पजेसिव था। वो रात को मुझे बिस्तर से बांधता था। उसे लगता था कि शायद मैं रात में कहीं भाग ना जाऊं। राजीव के साथ रहने में मुझे घुटन सी होती थी, लेकिन अगर डिवोर्स की बात करती तो शायद वो अपने आप को और हमें भी मार डालता। इसलिए मैं अपने बेटे को लेके वहां से भाग गई। मेरे बेटे रॉनी को अभी भी ऐसे लगता है कि उसके पापा आएंगे। तो इसीलिए आपने अपना नाम मंजू से सुनंदा रख लिया ताकि राजीव आपको ढूंढ ना पाए। 3-4 महीनों पहले कोई औरत आई थी मेरे घर पे। राजीव के बारे में कई सवाल पूछ रही थी। क्या नाम था उसका? आप तो जानती होंगी उस औरत का नाम। वो सुनंदा से मिलने गई थी। विक्रांत और आयान आपके कॉलेज स्टूडेंट। अपना खर्चा निकालने के लिए वो गाड़ियां चुरा कर उन्हें बेचते थे। एक दिन पकड़े गए, आपने उन्हें बचा लिया, जेल नहीं जाने दिया ताकि आप बाद में उनका इस्तेमाल कर सकें। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? मेरी माँ स्कूल की प्रिंसिपल है, वो ऐसा ये सब कुछ नहीं कर सकती। आपकी माँ को आपके पति दीपक के अफेयर के बारे में पता था और इसीलिए उन्होंने विक्रांत और आयान से कहकर संतोष को धमकी दी। अरे छोड़ो, क्या क्या चाहते हो तुम लोग? शर्म लाना चाहते हैं तेरी आंखों में। और उसकी गाड़ी लेकर चले गए। वो वही गाड़ी थी जो आपके डैडी के खून में इस्तेमाल हुई। माँ, माँ क्या ये लोग सच कह रहे हैं? हाँ माँ, बोलो कि ये झूठ है। हाँ, मैंने किया ये सब। ये जो कुछ कह रहे हैं सच कह रहे हैं। मैंने विक्रांत और अयान को भेजकर तुम्हारे डैडी का मर्डर करवाया। और वो चाकू भी दीपक के घर मैंने ही रखवाया था ताकि दीपक फंस जाए। क्योंकि ऐसे मर्द यही डिजर्व करते हैं। दीपक पल्लवी को चीट कर रहा था और राजीव ने मेरा जीना हराम कर रखा। मुझे लगा था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं राजीव के पास्ट के बारे में जानना चाहूंगी। अब सब कुछ फाइल्स खंगाली तो मुझे मंजू के बारे में पता चला। मंजू से मुलाकात करने के बाद मुझे यह रियलाइज हुआ कि राजीव कभी नहीं बदलने वाला। उसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। मैं उससे दूर रहने लगी तो वो और पजेसिव हो गया। हर वक्त मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करता, कभी पार्लर ले जाता तो कभी मूवी देखने। क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था, राजीव हम लोगों को मनाली इसलिए ले जाने वाला था क्योंकि उसे ये लगा कि दिन भर अगर हम लोगों के साथ रहेगा तो मैं मान जाऊंगी। मैंने तभी डिसाइड कर लिया मुझे राजीव के साथ क्या करना है। नहीं नहीं, आज ही ठिकाने लगाना होगा उन्हें। कुछ भी करके उनका पीछा करो और मौका मिलते ही ठिकाने लगा। अरे वाह, हो गई सारी पैकिंग, आप अभी आ ही रहे हैं। सिर्फ दो रास्ते थे मेरे पास, या खुद को मार लूं या राजीव को मार दूं। रास्ते तो कई होते हैं प्रज्ञा जी, पर हम उन्हीं रास्तों पर चलना पसंद करते हैं जो आसान होते हैं। और ऐसा ही एक आसान रास्ता आपको जेल की सलाखों के पीछे ले जाए। आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। गांधी जी के आदर्शों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाता है, मगर फिर ऐसा क्या है कि हम गांधी जी के आदर्शों को भूलकर हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन वो पकड़ा जरूर जाता है। एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल होने के बावजूद प्रज्ञा सैनी ने कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया, बल्कि जिस साजिश के तहत उसने अपने पति को मरवाया, अगर उसी प्लानिंग के तहत वो पुलिस के पास जाती तो शायद इस केस का अंजाम कुछ और होता, खुद उसके लिए भी और उसकी बेटी के लिए भी। डर महसूस करना या पीड़ित होना जायज हो सकता है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। आज वो जेल की चारदीवारी के पीछे बैठी यही सोच रही होगी कि काश उसने ये रास्ता न चुना होता। अगर आपको भी जिंदगी में कभी कोई आसान रास्ता मिले तो चलने से पहले सोच लीजिएगा कि कहीं ये रास्ता कानून के खिलाफ तो नहीं जाता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.